हैं जिनकी कुर्बानियों से आज हमारा भारत हम आजाद और सुखी हैं। इन शहीदों को देशभक्तों को याद करना ही हमारी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, ताकि उनको ये पता चले कि भारत ऐसे आजाद नहीं हुआ, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हों, चाहे उनके चार साहिबजादे हों जिनको नीयों में चनवा दिया गया, चाहे महाराणा प्रताप कभी अंग्रेजों की गुलामी कभी मुगलों की गुलामी किस तरीके से भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का खून गिरा और उसके बाद यह भारत आजाद हुआ। सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या हम आजादी के बाद इस आजादी की रक्षा कर पाए? क्या जो शहीद आजम भगत सिंह जी का अधूरा सपना था, मंगल पांडे जी का, जलियांवाला बाग के शहीदों का, राजगुरु सुखदेव जी का जो अधूरा सपना था कि हम तो फांसी के फंदे को चूम के जा रहे हैं, हम तो अंग्रेजों की गोलियां सीने पे खा के जा रहे हैं, पर हमारे जाने के बाद एक मकसद जरूर होना चाहिए। छोटा हो बड़ा हो, कास्ट बड़ी हो छोटी हो, उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। हर इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए, गरीब और अमीर में फर्क नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच में फर्क नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा आज मंगल पांडे जी के जन्मदिन के ऊपर उन शहीदों को याद करते हुए हमारा अपने पे हमारा सबको हमारी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को एक सवाल है। उन्होंने तो कुर्बानियां शहादतें दे दी, उन्होंने तो आजाद भारत दे दिया, क्या हम आजादी की रक्षा कर पाए? क्या हम उन असूलों पे चल पाए? आजादी के पहले भी राजनीतिक लोग थे, मंगल पांडे जैसे बहादुर योद्धे, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी जैसे बहादुर योद्धे, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब अपने घर से निकलते थे तो कहते थे मां गोली सीने पे खाएंगे, भारत माता को आजाद कराएंगे, और कराया। वो चाहते तो जिंदा रह सकते थे, वो चाहते तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर बन सकते थे, पर उन्होंने कहा नहीं, हम कुर्बानी देंगे, हम शहादतें देंगे, हम फांसी के रस्से को चूमेंगे, हम अंग्रेजों की गोलियां सीने पे खाएंगे, पर आने वाली जनरेशन के लिए एक जज्बा पैदा करके जाएंगे, एक गर्म खून छोड़ के जाएंगे। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कई ऐसी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां, नाम तो देशभक्ति है पर काम कैसे हैं? कास्टिज्म में बांटना लोगों को, आपने देखा होगा बिहार के अंदर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा पर दिल करता है ऐसे लोगों को देखने को, बताने को, लालू प्रसाद यादव, यादव जी सा परिवार यह राजनीति है, मायावती जी ये राजनीति है, कास्टिज्म में बांटना, कास्टिज्म में नारा दे करके कि दलित खतरे में है और उसके लीडर बन जाना, को यादव खतरे में है लीडर बन जाना, को सिख कौम खतरे में है लीडर बन जाना, कितनी देर तक ये चीजें चलती रहेंगी? जब भारत आजाद हुआ था, जब कुर्बानियां दी थी, हिंदू ने भी दी थी, मुसलमान ने भी दी थी, सिख ने भी दी थी, इस्तफाकुल्ला खान ने भी दी थी, पर आज क्या कमी रह गई? हम वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते? हम भारत माता की जय बोलने में हमें दिक्कत क्यों आती है? पॉलिटिशियन क्या होता है? हम एक दूसरे को कहते हैं भाई मेरे से राजनीति मत करना, पर यह सोचा कि मेरे से राजनीति मत करना मतलब क्या हुआ? मेरे से पॉलिटिक्स मत करना, हम बुरे इंसान हैं इसलिए कहते हैं, हम दागदार हो चुके हैं इसलिए कहते हैं कि मेरे से राजनीति मत करना, पर ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम ना सीपीआई, नरेंद्र मोदी जी जो राजनीति नहीं करते, जो सिर्फ राष्ट्र नीति करते हैं, जिन्होंने
छोटा बड़ा किसी में फर्क नहीं समझा। अगर कोई सफाई सेवक है तो उसकी पूरी कदर की। आज अगर कोई भारत माता की सफाई करता है तो उसके कारण ही आज भारत सुंदर है। उन्होंने एहसास कराया लोगों को। अगर वाराणसी में गए तो किसी के पांव को धोया, प्राइम मिनिस्टर ने किसी के पांव को हाथ लगाया, सफाई सेवक की किसी मां को लगाया। और आपने देखा होगा अभी चाइना के अंदर सामने गोलियां, सामने बंदूकें, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री छाती चौड़ी करके 56 इंच का सीना लेकर के चले गए। किस लिए? हमारे लिए, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए, अपने जवानों की हौसला बढ़ाई करने के लिए कि पहले मैं सीने पे गोलियां खाने के लिए तैयार खड़ा हूं। और चाइना को नहीं, दुनिया को संदेश दे दिया, पाकिस्तान को संदेश दे दिया कि पहले का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। एक अगर गोली चलाएगी तो मातृभूमि की आजादी की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हम 100 गोली चलाने के लिए तैयार खड़े हैं। हम घर में नहीं बैठेंगे, पर मातृभूमि का आधा इंच हिस्सा जो मंगल पांडे जैसे बहादुर योद्धाओं ने अपने जीवन इस राष्ट्र के लिए कुर्बान किया, एक आधा इंच इस जमीन का हिस्सा कहीं जाने नहीं देंगे। उनकी शहादतों का किसी भी सूरत में अपमान नहीं होने देंगे, ये करके दिखाया। मोदी जी ने एक जज्बा पैदा किया, और उसके बाद जो हिंदुस्तान के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियों ने राजनीति की, उस राजनीति ने उस व्यक्ति का दिल जरूर तोड़ा है, उसका मन जरूर तोड़ा है, उसको रास्ते में कहीं अकेला जरूर छोड़ा है। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना सीपीएम, ना सीपीआई, कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर अच्छा काम कोई करता है मानवता के लिए, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए, और उन शहीदों के सपनों को, अधूरों सपनों को पूरा करने के लिए, तो हमें उसका साथ देना पड़ेगा। मैं हूं, मौत का कफन बांधा हुआ है, मौत से जारी है, बम्बों गोलियों से जारी है। मैं डरता नहीं हूं बम्बों गोलियों से, मौत से बिल्कुल नहीं डरता हूं। मौत मेरी दोस्त है, जाएंगे तो देश के लिए शहीद होंगे, पर हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। आज 3.5 महीने से ऊपर से मैं अपने घर में हूं, मैं बम्बों गोलियों मौत से नहीं घबराया हूं, नहीं डरा हूं, पर मैं कोरोना से डर के घर में बैठा हूं। मेरे साथ तीन मेरे परिवार की तरह मेरे दोस्त हैं, लोग हैं, उनके अलावा मैं चौथे को किसी को मिला नहीं हूं। मौत से नहीं डरा, बम्बों से नहीं डरा, गोलियों से नहीं डरा, 14 बार हमलों से नहीं डरा, आगे भी नहीं डरता, पर मैं कोरोना से डर गया। पर ये पॉलिटिशियन आपने देखा होगा बड़े बड़े चैनलों में देखा करो, मार्क्स नीचे है इनके, मार्क्स नीचे है, कैमरा आया नहीं तो पागल हुए नहीं। ये मंगल पांडे जी को श्रद्धांजलि देंगे, ये उनको याद करेंगे, ये उनका दिन मनाएंगे, ये लोग मनाएंगे। इनको पूछो मंगल पांडे जी कौन है, इनको कोई याद नहीं। इनको पूछो राजगुरु सुखदेव जी कौन है, इनको कोई याद नहीं। ये जो खद्दर है ना, खद्दर ये पहन के कड़कदार चलते हैं, खद्दर मांडी लगा के चलते हैं नेता, लीडर, आजादी से पहले लीडर होते थे, नेता होते थे। सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। लीडर भगत सिंह खद्दर पहनते थे। आपको जागना होगा, जो देश के लिए व्यक्ति काम करे, जो सीमाओं की रक्षा करे, जो हर किसान का सोचे, गरीब का सोचे, उसका साथ जरूर दो। मैं ये नहीं कहता वोट डालो, मैं ये नहीं कहता उस पार्टी में जाओ, प्रथम राष्ट्र को लेकर के, मातृभूमि को लेकर के खड़े हो जाओ।